देश में महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, ये कहाँ जाकर रुकेगी किसी को नहीं पता। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी ने पहले से ही लोगों का दम निकाल दिया है। अब रसोई गैस की कीमतों ने एक बार फिर हमारी रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पहले से ही अनाज, फल, सब्जियों की महंगाई की मार झेल रही जनता अब रसोई गैस के लिए भी अतिरिक्त पैसे चुकाने पर मजबूर होगी। अब आपके घर में पहुंचने वाला एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। देश में अन्य चीज़ों के साथ साथ ईंधन के मोर्चे पर भी लगातार महंगाई का करंट लग रहा है। गुरुवार को एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 के पास पहुंच चुकी है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 3.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर 8 रुपये महंगा हो गया है। दिल्ली और मुंबई में गुरुवार से 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1003 रुपये पर मिलेगा। पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 809 रुपये से 1003 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं कोलकाता में एलपीजी के दाम 1029 रुपये, चेन्नई में 1018 रुपये 5 पैसे तक आ गया है, जिससे खाना पकाना और भी महंगा हो गया है। रसोई गैस का 14.2 किलो वाले सिलेंडर के साथ साथ 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 2354 में मिलेगा, तो वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 2454 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 2306 रुपये है, तो चेन्नई में इसकी कीमत 2507 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। गृहिणियों की माने तो पहले से वो महंगाई की मार झेल रही हैं। अब सिलेंडर के दाम बढ़ने से उनकी रसोई पर खासा असर पड़ जाएगा। उनका कहना है कि पहले ही वो अपनी रसोई में कई चीज़ों की कटौती इस बढ़ती महंगाई की वजह से कर चुकी हैं। अब इस नई आफत से भी उन्हें दो चार होना पड़ेगा। उनका कहना है कि लोगों की सैलरी तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उनका घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अनाज, खाद्य तेल, दलहन, तिलहन, चाय पत्ती, बिस्कुट, फल, सब्जियाँ सभी महंगे हो गए हैं। कभी प्याज रुलाता है तो कभी टमाटर काफी महंगा हो जाता है। कभी नींबू की कीमतें आसमान छूने लगती हैं तो कभी लहसुन महंगा हो जाता है। इस महंगाई में वो करें तो क्या करें। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, जिसे होम लोन, कार लोन से लेकर कई लोन महंगे हो गए हैं। लोगों को अब ब्याज दर ज्यादा चुकानी पड़ रही है। देश में इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था और उस समय 50 रुपये प्रति सिलेंडर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही मई महीने में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि बीते 7 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में गिरावट देखी गई थी। कमर्शियल सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हुआ था। इसके बाद 8 मई को घरेलू गैस के दामों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ था। इसके अलावा 1 मई को भी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर महंगे हुए थे। एलपीजी गैस के दामों में 102 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।